दुबई से भारत आने वाली फ्लाइट में एक यात्री की डेथ हो गया है। और फ्लाइट में डेथ हो जाता है तो कितने पैसे मिलते हैं या देने होते हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करना चाहते हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। दुबई एयरपोर्ट से भारत के लिए एक फ्लाइट आज टेक ऑफ हुआ, उसके कुछ देर बाद में एक महिला यात्री अचानक से बेहोश होकर के गिर गई, जिसके बाद आसपास में लोग देख करके अफरा तफरी मचाने लगे। उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को संभाला और जब फ्लाइट लैंड हुआ उसके बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यह फ्लाइट दुबई से कोची के लिए रवाना हुआ था और कोची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में उन महिला यात्री एयरपोर्ट से हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पे उनको डेथ घोषित कर दिया गया। उस महिला के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ ने पता लगाया तो पता चला कि महिला काफी दिनों से बीमार थी, जिनका इलाज चल रहा था और नेचुरल डेथ होने की वजह से ही पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया, यानी कि उनका डेथ नेचुरली हुआ। अगर फ्लाइट में डेथ हो जाता है तो क्या पैसे मिलता है, आइए हम यह भी समझ लेते हैं। जिस यात्री के पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, यानी कि जो फ्लाइट से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं और वो फ्लाइट में जा रहे हैं और फ्लाइट में जाने के बाद में डेथ हो जाता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनियों पर क्लेम करके और इंश्योरेंस से पैसे ले सकते हैं। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। जो महिला की डेथ हुआ है उन्हें परिवार वालों को खुद ही डेथ बॉडी ले जाना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस भी अगर जिन यात्रियों के पास है और नेचुरली डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेचुरली डेथ पर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। फ्लाइट से पहले आप इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपके पास रहेगा तो आपके बैगेज अगर खो जाए या पासपोर्ट खो जाए या फिर प्लेन हाईजैक हो जाए या फिर प्लेन क्रैश हो जाए, तो फिर पुलिस आपका इंश्योरेंस क्लेम करके आपके परिवार वालों को पैसे दिला सकेंगे।